आज हम बनाएंगे कॉर्न के चीले। यह बहुत ही हेल्दी और इजी बनने वाली रेसिपी है, तो आइए बनाते हैं कॉर्न के चीले। इससे पहले कि हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑन करें। चीला बनाने के लिए हमने लिए हैं यहाँ पर 2 कॉर्न। हमने इन्हें अच्छे से वॉश करके इसके जो रेशे हैं वो निकाल दिए हैं। जो हमने ये कॉर्न लिए इनको इस तरह से कद्दूकस करूंगी। इस तरह से हम पूरे कॉर्न को कद्दूकस कर लेंगे। हमने दोनों कॉर्न को कद्दूकस कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 कप बेसन और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, नमक स्वादानुसार। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो जो मिर्च है वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो। हम इसमें पानी नहीं मिलाएंगे क्योंकि जो कॉर्न है इसमें ही काफ़ी पानी था, और हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि जो बेसन है वो फूल जाएगा और इसके बाद देखेंगे अगर पानी की ज़रूरत हुई तो हम उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं और हम बैटर को देख लेते हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइप की है, और अब हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है तो इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे। अब हम चीला बनाते हैं। सबसे पहले हम तवे पे थोड़ा सा तेल लगा देंगे। अब हम बैटर को इस पर फैलाएंगे और इसे चीले का शेप देंगे। इसे अभी ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि जितना अगर पतला कर दिया तो वो चिपक सकता है, तो मीडियम थिकनेस वाला रखेंगे हम। इसमें फ्लेम मीडियम होना चाहिए। ये देखिए चीला पकने लगा है, और अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे टर्न कर देंगे। इसे हम 2-3 मिनट तक ऐसे टर्न करते हुए पका लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी और इजीली बनने वाली रेसिपी है क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत है। ये देखिए चीला बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे और जो बाकी का बैटर है उसके भी हम इसी तरह से चीले बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कॉर्न के चीले बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इन्हें चटनी, सॉस, दही किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।